वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैसअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैसअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैसअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैसअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। इधर हुई ये वीडियो खत्म यार। जोहरा ने बातें की हैं बड़ी जबरदस्त और ठोके रख दिया कर रख दी। कहते हैं कि जब कोई बम फोड़ता है तो उसको नहीं बोलते कि भाई तूने गलत किया, उसको बोलते हैं तूने अच्छा किया, तुझे भत्ता रूरे अब मिल जाएंगी, तूने स्वर्ग कमा लिया। अगर कोई कपड़े ऐसे वैसे पहन ले तो उसको बोलते तुझे शर्म नहीं आती, तू मुसलमान। मतलब कि ये सीधे सीधे मुसलमान को इस्लाम को बोल रहे हैं कि इस्लाम टेररिज्म को प्रमोट कर, उधर नहीं जाते, उधर नहीं जाते। ये बात रियलिटी बेस्ड बात यार है। इनकी बात शुरू होती है औरतों से और उधर ही खत्म, उधर ही खत्म। और भाई अगर कोई आतंकी अजमल कसाब जैसे तरह हो गया, ओसामा बिन लादेन हो गया, फिर सईद जैसे लोग हो गए, इनको प्रमोट करते हैं मुल्ले, कहते हैं यार ये इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव हैं। मुसलमान होके आई हैव नेवर हर्ड पीपल सेइंग दैट टू टेररिस्ट। टेररिस्ट के लिए कभी सुना है कि अजमल कसाब को शर्म आनी चाहिए मुसलमानों के इतने लोग को मारा? इनका इस्लाम शुरू होता है औरतों की टांगों से, बस वहीं तक इनका इस्लाम है। वो सीधी सीधी बात करते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है। बहुत सेंसिबल लोगों को, बहुत समझदार मुसलमानों को, और ज्यादा ये मुसलमान आपको कन्वर्ट मिलेंगे मोहम्मद असद की तरह। दोस्तों कल फटे पेजर, अब पता लग रहा है कि वॉकी टॉकी भी फट गया। पाकिस्तान पर क्यों नहीं हमला करता इसराइल आगे? वो क्यों इंडिया को आगे लगाता है हमेशा, खुद क्यों नहीं आता? इसलिए उसको पता है कि पाकिस्तान का जवाब वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये जब सब कुछ फट रहा है लेबनान में, अब ये कह रहे हैं कि यार अगली चीज क्या फटेगी, तो इससे क्या है कि हिजबुल्लाह को हो गया डाउट। वहां पे ईरान और हिजबुल्लाह कह रहे हैं जिहाद फी सबीलिल्लाह, हम जिहाद करेंगे। अबे यार तुम पहले स्कूल चला जा पढ़ लेते यार। दहशतगर्दी करते हैं अजमल कसाब या जितने भी सारे मुसलमान ही हैं, ये इनको क्यों नहीं ये शेम बाकी देते? बड़ा अच्छा पॉइंट इसने रखा। उस वक्त तो ये ड्रामेबाजी करने लग जाते हैं कि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान से निकला है, ठीक है, टेररिस्ट हम अफगानियों को कहते हैं। ये जो जितनी दहशतगर्दी दुनिया पूरी में हुई है, सारे का सारा मलबा पाकिस्तान पे डाला है और निकला भी है सारा। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि शहीद है ओसामा बिन लादेन। अब कबूतर जा 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 का गाना अपने पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया, यही चीज है जो नहीं फटेगी। अगर यहूदियों ने इसको भी हैक कर लिया तो आई एम नॉट श्योर। ये जो ब्लास्ट हुए हैं, ये लास्ट जो ये पाकिस्तानी थे, ये अमेरिकन थे? अच्छा, बांग्लादेश के थे यार ये पाकिस्तानी मीडिया ने। अजमल कसाब, अजमल कसाब बांग्लादेश का था, मीडिया ने जानबूझ के धक्के में हमारा कर दिया। ये पाकिस्तानी। नमस्कार दोस्तों, वी ऑल नो दैट टेररिस्ट हैव नो रिलीजन, बट वी आल्सो नो दैट ऑल टेररिस्ट्स आर फ्रॉम वन रिलीजन। इस्लाम में औरतों की राइट्स की क्या ही बात करें, हिजाब से लेकर तलाक हर जगह उन्हें सप्रेस किया जाता है। रिसेंटली उर्फी जावेद का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया, जहाँ पर वो बहुत ही ब्लंट तरीके से जिहादी सोच वाले मुसलमानों को एक्सपोज कर रही है। और यही तो इस रीजन की खासियत है, जो नॉन मुस्लिम्स यानी काफिरों को खत्म करने की राह दिखाता है ताकि उन्हें 72 हूरे मिल सके। और सिर्फ यही नहीं, अभी इंडिया बांग्लादेश के बीच क्रिकेट चल रही है और उसी बांग्लादेश के एक क्रिकेटर तंजिम हसन शाकिब, इन्होंने एक ट्वीट किया कि जो गैर मुसलमान हैं उन्हें खत्म कर देना चाहिए। वो ये भी लिखते हैं कि क्योंकि एक गैर मुसलमान ने उनके देश का नेशनल एंथम लिखा है, इसीलिए वो अपना नेशनल एंथम भी नहीं गा सकते। ऐसी तो सोच है इनकी, और ये पूरे दुनिया में जाकर इस्लामोफोबिया का ढोल बजाते हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैंने इस्लाम का ठेका ले रखा है, मैंने तो कभी बोला ही नहीं कि मैं इस्लाम का ठेका लेके बैठी हूँ, मुझे वो क्लर्क बनना है, मुस्लिम क्लर्क। आई हैव ओपनली सेड दैट आई डू नॉट बिलीव इन रिलीजियंस, बट स्टिल तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए मुसलमान होके, तुम्हें तो ये होना चाहिए मुसलमान होके। आई हैव नेवर हर्ड पीपल सेइंग दैट टू टेररिस्ट। टेररिस्ट के लिए कभी सुना है कि अजमल कसाब को शर्म आनी चाहिए मुसलमान होके, इतने लोगों को मारा, इसको शर्म आ जानी चाहिए मुसलमान होके, इसने ऐसे दंगे फसाद किए।
मेरे बोले है, मैंने मीठे कर लिया है किसी का, सो प्लीज मेरे को बोलना बंद करो। वो अपनी लड़की है, अपने मर्जी से कपड़े पहन रही है, पैसे कमा रही है, तुम्हारा क्या जा रहा है? ऐसा नहीं होता, जब आदमी चार चार शादी कर लेता है इस्लाम में, ऐसे खुला तलाक देता, तलाक तलाक बोल के अपनी बीवी बच्चों को मार रहा है, तब नहीं बोलते कि तुम्हें मुस्लिम आदमी हो के यू नो शर्म आनी चाहिए, ऐसा कर रहे हो, बुर्का पहनो। उर्फी जावेद ये एक लड़की है, मुझे याद है इनकी पहले भी एक स्टोरी बनी थी, तो ये शायद बड़ी मशहूर है क्योंकि ये इनकी ड्रेसिंग बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, तो इसको लेके बहुत सारे लोगों, क्योंकि उनका नाम उर्फी जावेद है, इससे मुसलमान नाम है, इसे लोग उनके पीछे पड़े जाते हैं। सुनिए जरा वो क्या कह रही है। रिलीजन को लेके लॉट ऑफ पीपल एट टाइम्स पॉइंट आउट, आई डोंट नो व्हाई, मैंने इस्लाम का ठेका ले रखा है। मैंने तो कभी बोला ही नहीं कि मैं इस्लाम का ठेका लेके बैठी हूँ, मुझे वो क्लर्क बनना है, मुस्लिम क्लर्क। आई हैव ओपनली सेड दैट आई क्लेरिक, मुस्लिम क्लेरिक, नॉट बिलीव इन रिलीजन, बट स्टिल तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए मुसलमान होके, तुम्हें तो ये होना चाहिए मुसलमान होके। आई हैव नेवर हर्ड पीपल सेइंग दैट टू टेररिस्ट, टेररिस्ट के लिए कभी सुना है कि अजमल कसाब को शर्म आनी चाहिए मुसलमानों के, इतने लोगों को मारा? वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट, बड़ा पॉइंट है, ठिकाक ठोक के मारा। और इनका इस्लाम इधर हुई ये वीडियो खत्म यार, सो जोहरा ने बातें की हैं बड़ी जबरदस्त की और ठोक के रख दिया, कर रख दी। कहते हैं कि जब कोई बम फोड़ता है तो उसको नहीं बोलते कि भाई तूने गलत किया, उसको बोलते हैं तू इससे अच्छा कर, तुझे बता मेरे अब मिल जाएगी, तूने स्वर्ग कमा लिया। अगर कोई कपड़े ऐसे वैसे पहने तो उसको बोलते तो भी शर्म नहीं है, तो तुम मुसलमान, मतलब कि ये सीधे सीधे मुसलमान को इस्लाम को बोल रहे हैं कि इस्लाम टेररिज्म को प्रमोट कर, उधर नहीं जाते, उधर नहीं जाते। ये बात रियलिटी बेस्ड बात यार, इनकी बात शुरू होती है औरतों से और उधर ही खत्म, उधर ही खत्म। और भाई अगर कोई आतंकी अजमल कसाब जिस तरह हो गया, उसामा बिन लादेन हो गया, फिर सईद जैसे लोग हो गए, इनको प्रमोट करने मुल्ला, कहते हैं यार ये इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इस्लाम को ये रिप्रेजेंट करते हैं, हीरो 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 मानते हैं, हीरो मानते हैं, और क्या रिप्रेजेंट करते हैं इस्लाम को, इस्लाम को ये प्रूव करवा रहे कि इस्लाम सिर्फ टेररिज्म सिखा रहे हैं। ये तो यही हमारे मौलाना का तो यही है कि भाई साहब ये लोग यही बोलते हैं कि भाई जी बिल्कुल किसी को मारो, किसी को मारो तो बदतर हो रहे साथ मिलेंगे और जन्नत में सीधे जाओ, सीधे जन्नत में जाओ, उधर भाई जो जन्नत के आगे खड़ा होगा फरिश्ता तुम्हारे अंदर ठंडा दे देगा। इनकी आंखें सिर्फ औरत तक ठहरती है, उधर ही खत्म हो जाती है, ये सिर्फ औरत का मसला बयान करेंगे और कोई नहीं, उधर नहीं बोलेंगे ये चीज, उधर क्यों बोलेंगे, उधर वो उनको दिन में बोलते कुछ अच्छा काम किया भाई, इसने अपने आप को आतंकी प्रूव किया, इसको बदतर हुए मिले, ये सीन है भाई हमारे यहाँ। और भाई आज इसने सही पोल खोला, कहती है सही, हाँ जी मैंने इस्लाम का ठेका लिया हुआ है, मैं कहती जो मर्जी है, कहती मेरी अपनी मर्जी, कहती जब अजमल कसाब आके बम फोड़ता है मुसलमानों को मारते हैं जरूर करता है ना, तो और यार बड़ी कड़क बात है, कोई नहीं बोलता यार, नहीं बोलता ना, नहीं अजमल कसाब का कोई नाम भी नहीं लेता, उसामा बिन लादेन का नाम कोई नहीं लेता, हाफिज सईद का कोई नाम ही नहीं लेता, यकीन मानो नहीं लेता यार। हमने आज तक किसी मौलाना के मुंह से ये चीज नहीं सुनी, बस हमने मौलानाओं के मुंह से एक बात सुनी है जो इस्लाम के ठेकेदार है कि भाई काफर गलत है। औरत कपड़े कोई ऐसे पहन लेते बोले कि उसको तो कपड़े ऐसे क्यों पहने, तूने इस्लाम की तोहीन की है, मतलब कि भाई साहब हिंदुओं को यहूदियों को सबको इन्होंने गलत बोलना है, लेकिन जो इनके अपने जो भाई बड़ी बड़ी दाढ़ियां रख के वो गंदे कांड कर रहे हैं ना, उनको इन्होंने बोला ए वन, मतलब कि तू भाई आतंकी प्रूफ कर रहा है भाई साहब हमारे इस्लाम को बदनाम कर रहा है, ए वन काम कर रहा है। इन्होंने चार चार शादियां की हुई हैं, इनका इस्लाम इधर से शुरू होता है, पांव से औरत की शुरू होके सर तक जाता है, ये इनका काम यही है और कुछ भी नहीं, सही नंगा किया है। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तो थैंक।